इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा को सालों पहले एक सलाह मिली थी, एक नसीहत मिली थी, जिसको उन्होंने माना भी, समझा भी, अप्लाई भी किया जिंदगी में। और आज देखिए, रोहित शर्मा हिटमैन बन चुके हैं, टीम इंडिया के कप्तान है, वर्ल्ड चैंपियन कप्तान है। और यहाँ पे वो उस नसीहत के बारे में उन्होंने बात भी की है, उनकी वीडियो वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे। और वो नसीहत किसने दी थी? वो नसीहत दी थी यहाँ पे रोहित शर्मा को उनके पिता ने। पिता का नाम है गुरुनाथ शर्मा। पहले नसीहत के बारे में बात कर लेते हैं, फिर उनके साथ जो रिश्ते हैं रोहित शर्मा के उसके बारे में बातचीत करेंगे। एक बात तो पक्की है बॉस कि हमारे जो हिटमैन है वो पूरी तरह से फैमिली मैन भी है। यहाँ पे रोहित शर्मा एक इवेंट में बातचीत कर रहे थे, कल टीचर्स डे भी था, तो उस उपलक्ष्य में ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ और उसमें वो बात करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि देखिए, मेरे पापा ने मुझे एक बार नसीहत दी थी। क्या नसीहत दी थी उसके बारे में बात करते हैं। उन्होंने कहा, मेरे पापा ने कहा, बेटा तुम अपनी जिंदगी में जहां भी पहुंच जाओ इस बात से कोई मतलब नहीं है, बस तुम्हें अपने अंदर का जुनून नहीं खोना है। ऐसा करो कि अपने आसपास के लोगों के लिए उदाहरण बनो। साथ ही साथ बेटा, आज तुम जिस उम्र में हो, लोग आ रहे हैं और तुम्हें सलाह दे रहे हैं, लेकिन आने वाले वक्त में तुम इस स्थिति में रहोगे, यहाँ तुम रहोगे, तुम्हें तुम लोगों को यहाँ पर सलाह देना होगा, तुम्हें लोगों को यहाँ पे सलाह देनी होगी। रोहित शर्मा ने कहा कि मैं हमेशा अपनी चीज़ों को ना आसान रखना चाहता हूँ, सिंपल रखना चाहता हूँ, और जो आसपास की चीज़ें हैं उनको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करना नहीं चाहता हूँ। ये चीज़ उन्होंने अपने पिता से सीख ली थी। यानी कि नसीहत देने का जो ये टाइम होता ना, हर किसी को लगता है कि हम नसीहत दे रहे हैं, हमें यह नसीहत ज़्यादा मिल रही है, लेकिन समय आता है हर किसी का और आपको कहीं ना कहीं एग्जाम्पल बनना है। और जो यहाँ पर नसीहत दी थी, जो एडवाइस दी थी रोहित शर्मा को उनके पिता ने, वो ये थी कि आप कहीं भी पहुँच जाएँ, आप कितने भी बड़े बन जाएँ, कितने भी अच्छे बन जाएँ यहाँ पर, लेकिन जो आपके अंदर का डेडिकेशन है, जो पैशन है, जो डिसिप्लिन है, वो खत्म नहीं होना चाहिए, वो वहां पर लगातार बरकरार रहना चाहिए। और वही नजर आ रहा है यहाँ पर टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा में। आप देखिए, 37 साल की उम्र में यहाँ पे वो लगातार अपने करियर को कैसे प्रोलॉन्ग कर सकते हैं उसके ऊपर मेहनत कर रहे हैं, अपनी फिटनेस के ऊपर काम कर रहे हैं, लगातार उनके विजुअल्स आते रहते हैं, फोटोज सामने आती रहती है, BKC में जाके रनिंग कर रहे हैं, पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं वो टेस्ट सीजन की। और कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये चीजें हैं कि और अच्छा करना है, और इम्प्रूव करना है। भूख अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है यहाँ पे रोहित शर्मा की। उम्मीद यही होगी कि जो नसीहत अभी तक मानी है, अभी आने वाले और कुछ सालों में जब तक रोहित शर्मा इंटरनेशनल क्रिकेट में, IPL में या क्रिकेट से जब तक वो जुड़े रहे अपने करियर में, वो भूख लगातार बनी रहे और जो नसीहत है वो उसको मानते रहे यहाँ पे। वैसे आपको क्या लगता है, जो ये नसीहत उनके पिता ने दी थी उससे आप कितने यहाँ पे इत्तेफाक रखते हैं? क्या आपकी राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में यहाँ पर दे सकते हैं।